मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कभी तय नहीं होता। देखिए ना, 2018 में जनादेश कांग्रेस को मिला, लेकिन 15 महीनों बाद ही मध्य प्रदेश की सियासत का रंग ऐसा बदला कि सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी सवार हो गई। अब जब एक बार फिर से 2023 के महासंग्राम के नतीजों का इंतजार हो रहा है, तो दोनों ही दलों की तरफ से सत्ता पर सवार होने के दावे जोर शोर से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सत्ता हासिल करने का दावा कर रहे दल भले ही खुल्लम खुल्ला ये मान ना रहे हों, लेकिन ये जान जरूर रहे हैं कि उनके दावों का खेला उनके ही बागी बिगाड़ भी सकते हैं। और दिलचस्प ये है कि ये मर्ज किसी एक पार्टी का नहीं, बीमार का हाल दोनों ही तरफ एक सरीखा ही है। तभी तो चुनावी रण में बगावत का बिगुल फूकने वालों के चलते दलों को चिंतन और मंथन दोनों पर ही मजबूर होना पड़ा है। वैसे तो कई सीटें ऐसी हैं जहां तरजीह ना मिलने के चलते नाराज दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इस बीच वोट पड़ जाने और नतीजों के इंतजार के दरमियान दलों को मिल रही रिपोर्ट टेंशन दे रही है। करीब 15 सीटें ऐसी हैं जहां बागी खेला कर सकते हैं, दाव पलट सकते हैं, या तो जीत सकते हैं या फिर जीत की दहलीज को पार करने से किसी को रोक सकते हैं। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से इस बार टिकट न मिलने के बाद नाराज 8 पूर्व विधायक इस बार मैदान में हैं, तो विधानसभा की सीढ़ी चढ़ने के लिए उत्सुक वो दावेदार भी मैदान में हैं जिन पर दलों ने भरोसा नहीं दिखाया। इसीलिए तो हो रहा है मंथन, चिंतन और सवाल, बागियों से कितना नुकसान, सत्ता मुश्किल या आसान। मैं तो नहीं जाऊंगी, इसलिए नहीं जाऊंगी कि मेरे अगर उनको, पहली बात तो मुझे एक साल पहले मुख्यमंत्री जी ने और रितानंद शर्मा जी ने आश्वासन दिया था कि तुम्हें विधायक का चुनाव लड़ना है, और उसके बाद जब ये अपने वादों पर ये लोग खरे नहीं उतरे, वादों पर खरे नहीं उतरे, उसके बाद में स्थिति अब ये हो रही है कि कैसे चले जाएंगे भाई। जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव अगर जीतूंगा तो किसे समर्थन दूंगा, यह निर्णय हमारी पार्टी की सुप्रीमो, हमारी आदरणीय, हमारी मार्गदर्शक बहन मायावती जी तय करेंगी, और उनका जो निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। देखिए, जीतने के बाद में ये निर्णय हमारे सब कार्यकर्ताओं का होगा, सारे सहयोगियों का होगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे गोटेगांव विधानसभा का चुनाव लड़ाया, एक एक लोगों के सहयोग से मैं चुनाव लड़ा, निर्णय लेने का भी अधिकार मैं उन्हीं कार्यकर्ताओं पे, उन्हीं सहयोगियों पे छोड़ता हूँ कि जीतने के बाद अगर सरकार किसकी बनती है या कहाँ जाना है, ये निर्णय हमारे सहयोगी लेंगे। वो जहाँ बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा निर्णय के साथ। सरकार के साथ रहेंगे जिसकी सरकार बनेगी? नहीं, मैं क्षेत्र के लोगों के निर्णय के साथ रहूंगा, वो जहाँ बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा, उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। तारीख नहीं आई, अभी परिणाम आ जान दीजिए, गिनती पूरी हो जान दीजिए, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये काल्पनिक प्रश्न है, इस पे किंतु परंतु पे अभी से जवाब देना, और ये पार्टी का संगठन और नेतृत्व तय करता है किसको लेना किसको नहीं लेना। लेकिन अभी परिणाम के पहले उस पे बात करना कि जैसे हमारी कोई सीटें अटक गई हो और हम उन किसी के भरोसे हो, अरे हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, इतनी मेजोरिटी से हम सरकार बना रहे हैं कि हमको कोई आंकड़ा कम पड़ेगा ही नहीं। लेकिन यदि किसी को लेना है किसी को नहीं लेना है, निर्णय पार्टी करेगी, नेतृत्व करेगा, समय पर करेगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को बागियों से न खतरा पहले था न अब है, खतरा तो भाजपा को है। भाजपा के सिटिंग MLA पार्टी के KK श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के जितने भी बड़े नेता दिग्गज हैं इन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं, चाहे वो रघुवंशी जी हो, दीपक तिवारी जी कांग्रेस में आ गए, वो MLA बनेंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सता रहा है, क्योंकि भाजपा शिवराज महाराज और नाराज तीन गुटों में बटी मुझे तो पूरे प्रदेश में नजर आ रही है। तो जीत के दावों के बीच हुजूर ये मर्ज है बगावत का, जो किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकता है। बहरहाल कोई मानेगा नहीं, लेकिन 3 तारीख को ये साफ हो जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला, बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है ममता मीणा जो बीजेपी की से बगावत करने के बाद आप में शामिल हुई, निर्दलीय प्रत्याशी हैं शेखर चौधरी जो कांग्रेस से बागी हुए, राजनीतिक विश्लेषक हैं सूर्या मैथिल। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा केशवानी जी आपसे है, क्योंकि आपकी पार्टी ने आज बैठक बुलाई, गहरा मंथन वहां चल रहा है, क्या इस मंथन में बगावत का भी जिक्र है? देखिए अपर्णा जी, कहीं कोई बगावत का जिक्र इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर हैं, क्योंकि हम पूरे चुनाव में हम अपने प्रदेश की जनकल्याण की योजनाएं, देश की जनकल्याण की योजनाएं, और हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की,
उसको लेकर हम जनता के बीच में थे। इससे पूर्व में हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में थे, तो जनता ने हमें प्यार दिया, लाड़ दिया, दुलार दिया और स्नेह भी दिया हमें, और वह स्नेह निश्चित रूप से आशीर्वाद रूपी उनके मत के रूप में भी हमें मिला है। 2003 से लेकर आप 23 तक देखिएगा, 20 साल से लगातार जनता हम पर आशीर्वाद बनाए हुए, और निश्चित ही इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से 23 में आ रहे हैं और 24 में भी हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने जनता के बीच में हमारे पे जो 64,523 पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे प्रत्येक बूथ पे पूरी हमारी टीम थी, जनता से डायरेक्ट संवाद था हमारा और जनता के बीच हम तो 24x7 365 दिन पांचों साल रहने वाले लोग हैं कार्यकर्ता। हम देखिए वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार बना रही है। बीजेपी ने सरकार खुद नहीं चाहे कि बीजेपी सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी में आज जो वादे किए थे बीजेपी के लोगों ने बीजेपी के नेताओं के साथ में, वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ ही उन्होंने वादा पिछली एक साल पहले कहा था कि आपको चुनाव लड़ना तैयारी करो, एक साल हो गए उस बात को, और उसके बाद बड़े नेतृत्व ने कहा, जैसे संगठन महामंत्री तनंद शर्मा जी ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ममता चुनाव लड़ना है, और इसके बाद अगर ममता को ये ममता से फिर घबराए क्यों, ममता को मैदान में क्यों नहीं उतारा। मैं कहती हूँ ना, टिकट का जैसे बड़ा महाघोटाला हुआ है, उस महाघोटाले से कैसे बच पाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन ममता बिना पर ममता नहीं दिखाई, कहीं अगर आप चुनाव जीत गई तो वापस तो नहीं जाएंगे घर ममता दिखाते हुए। देखिए देखो मेरे साथ जो किया है पार्टी ने, मैंने पूरा 20 साल ईमानदारी से काम किया था, और मेरे ईमानदारी पर सीधा सीधा एक पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया, जबकि फिर उसके बाद भी मैंने बोला था कि किसी भी पार्टी के पुराने सीनियर कार्यकर्ता को दे दो सातों समाज में से, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद मेरे साथ विश्वासघात किया है। बाकियों की संख्या तो कांग्रेस से ज्यादा ही रही इस बार बीजेपी के मुकाबले, कितनी सीटों का फीडबैक मिला है आपको जहां बागी टेंशन बढ़ा रहे हैं? देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले तो एक बार स्पष्ट आप भी समझ लें कि 18 साल से सत्ता में जो पार्टी होती है, हमें बागियों से कहीं कोई समस्या नहीं है। 18 साल से सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार है, और मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं जो जनता का आक्रोश है वो भाजपा के प्रति, शिवराज सरकार के प्रति है। अभी ममता मीना जी जो कि खुद विधायक रही हैं भारतीय जनता पार्टी, उनने खुद कहा कि भाजपा ने वादा खिलाफी की। सही बात है, भाजपा ने किसानों को छला, युवाओं को छला, रोजगार नहीं दिया, झूठ बोला, बोलते थे जब विपक्ष में थे केंद्र में सत्ता नहीं थी कि भाई ये तो जो हम 40 रुपये के लीटर पेट्रोल देंगे 125 बिक गया देश में, 1200 रुपये का LPG सिलेंडर बिक रहा है आप देख लें, डॉलर के मामले में ये तो उम्र की तुलना करते थे कि डॉलर मनमोहन सिंह जी की उम्र को पार करके आज की स्थिति में क्या है, डॉलर 90 रुपये का हो गया। तो मैं बता रहा हूँ भाजपा ने हर विषय पर वादा खिलाफी की है, और भाजपा के जो बागी हैं अपर्णा जी आप समझें, पूर्व विधायक हैं कई सारे, वर्तमान विधायक हैं जो आप देख केदार शुक्ला जैसे लोग हैं ना, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी के सुपुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, वो भी बागी हैं। आप देख रुस्तम सिंह पूर्व मंत्री, वो उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत है उसका स्तर काफी बड़ा है। अपनी जी क्योंकि बीच में रोकना मेरी आदत नहीं है, मैं किसी भी मेहमान को बीच में नहीं काटना चाहती हूँ। आपने बात की शुरुआत ही करी कि स्पष्ट रूप से आप समझाने कि आपने बात कही, लेकिन स्पष्ट रूप से जो डेटा मेरे पास है ना सर, उसमें कांग्रेस के बागियों की संख्या ज्यादा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 39 लोगों को बगावत के चलते बाहर निकाला। अपर्णा जी आलोट की बात करें, गोटेगांव बड़नगर की बात करें, आपने कैंडिडेट अनाउंस किए उसके बाद बदल दिए, तो सर बगावत का मर्ज तो कांग्रेस के अंदर भी है, बीजेपी के भी है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अपर्णा जी ये बताएं मुझे कि कांग्रेस के बागियों से, आप मुझे बता सत्ता में कौन था, एंटी इनकमेंसी किसके प्रति होती है, और खुद आज एक विधायिका, पूर्व विधायिका बैठी भारतीय जनता पार्टी को, खुद कह रही हैं कि आप समझें कि वादे जो सरकार ने वादे नहीं निभाए, वादा खिलाफी की है, आप उसको उनको छोड़ के मेरे ऊपर आप मतलब आरोप लगा रही कि हमारे, मैं आरोप नहीं लगाया सर, हमारे यहाँ मैंने बात कही है कि देखिए आपने बात कही है, जरा दुर्गेश भाई से पूछ लेती मुझे बताया नंद कुमार सिंह चौहान, नहीं मेरे पास बीजेपी के लिए सर
मुझे बताएं, बीजेपी की भी है जोशी, जिन्होंने लाखों लाख कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, उनका बेटा जो फाउंडर मेंबर है उनका, अरे साहब राहुल गांधी कहां से आ गए? इसीलिए राहुल गांधी कहां से आ गए? जमा खर्ची मुझे बताए, अरे नए डायलॉग लाओ दुर्गेश भाई, जमा खर्ची वहां खर्ची एक ही वक्त डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, ये इनको समझाएं, ये इनको देखिए अपर्णा जी मैं कह रहा हूं, आप तो मुझे साफ बता दें, क्या हमारा कोई पूर्व मंत्री, क्या हमारे कितने पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान विधायक कितने चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे आप बताएं। एंटी इनकंबेंसी आप देख लें, छह जी मैं आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ सर, ठीक है, खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ डॉक्टर दुर्गेश केशनानी जी, भाई एंटी इनकंबेंसी जो सत्ता में होती है उसी के खिलाफ होती है, जाहिर सी बात है, तो क्यों नहीं आपको बागी परेशान करेंगे? आप ही ने काटा है सिटिंग एमएलएस का टिकट, सीधा आरोप कांग्रेस और आप तो कहते थे आपकी संस्कारवान पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है, फिर क्यों आप अपने लोगों को नहीं रोक पाए? पुराना जो दल मीना जी का क्यों आपने मान सम्मान नहीं रखा? हम तो साफ पूछना चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, नहीं आपने खूब डिस्टर्ब किया, तो दुर्गेश भाई आपने खूब डिस्टर्ब किया, झूठ नहीं बोलना, क्वेश्चन कर रहे हैं वो, आप उसके बाद है ये गलत जवाबी, आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, भैया राहुल आपको समझ में नहीं आती कोई बात को, आप तो मुझे आपको बात ही समझ में नहीं आती कि बोलना क्या है, करना क्या है, क्या एक्शन लेना है, आप इसी तरह से राहुल जी की है, देखिए अपर्णा जी, अपर्णा जी, राघव जी की है, आप बोलेंगे मैं सवाल नहीं पूछ रही हूं, प्रवक्ता से सवाल आप ही का लेकर गई मैं उनके पास, नहीं भाजपा नहीं मुझे ममता जी लौट रही हूँ आपके पास, देखिए चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, सूर्य मैथिल जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक एक करके सबका रिएक्शन शामिल कर लेते हैं जी। देखिए अपर्णा जी, आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है वो एंटी इनकंबेंसी को लेकर चुनाव में उतरी है, इनके पास 60 साल की कोई उपलब्धि नहीं, 10 साल के भंडाधारियों की कोई उपलब्धि नहीं, 15 महीने की कोई उपलब्धि नहीं, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करने का, जनता जिस तरह से अभी ये विचलित हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ये बताता है कि इनके पास चुनाव में भी कुछ नहीं था और हताशा और निराशा से गुजर रहे हैं। ममता मीना जी जिस पार्टी से आई है वो तो चुनावी पर्यटन पे थे यहाँ पे, उनका क्या अस्तित्व, कौन सा इन्होंने धरने प्रदर्शन किए, कौन सा क्या कर लिया, ममता मीना जो आई है पेड़ लगा रही है वो ये तय करता है कि ये तो चुनावी पर्यटन पे थे, उस समय प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जरूरत थी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का जो कचरा मध्य प्रदेश में फैल गया, नई पंजाब के हाल देखे और पुरानी पुरानी कांग्रेस और नई भाजपा मिलके जो भ्रष्टाचार का जो कचरा ममता मीना को, अगर ममता मीना नाम देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शेखर चौधरी जी, ठीक है ठीक है, लौट रही हूँ आप सभी के पास। शेखर चौधरी जी, पार्टी के बगैर कोई भी सरकार, सुना आपने अब तक की पूरी बहस को, क्या हुआ ऐसा कि आपको बागी होना पड़ा, और क्या ये बगावत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, ऐसे हवा हवाई रहेगी? देखिए बहस में मूल मुद्दे को छोड़ के लोग दूसरी जगह भटक जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, मुद्दे पे बात की जाए तो उचित होता है। रहा सवाल मेरा, कांग्रेस ने मुझे टिकट दी, बड़ी खुशी की बात थी, कांग्रेस नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता था नेतृत्व से कि ऐसा चार दिन में क्या हो गया जो आप दो साल से सर्वे करा रहे थे, चारों सर्वे में जब मैं अव्वल था तो उस आधार पर आपने मुझे टिकट दी, चार दिन में ऐसा कौन सा सर्वे करा लिया जो पैराशूट से लाके उम्मीदवार को आपने खड़ा कर दिया, और ऐसे उम्मीदवार को लाके खड़ा कर दिया जिसको पूरे क्षेत्र में फूल छाप कांग्रेसी बोलते हैं लोग, जो जीतता तो कांग्रेस के नाम से है लेकिन काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, नूरा कुश्ती खेलता है गोटे गांव में वो, और इसीलिए कांग्रेस के लोग नाराज थे। आज जब मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, मैं उम्मीदवार बना, मुझे क्षेत्र के लोगों ने तय किया कि चुनाव लड़ना है और मैं लड़ रहा हूँ, मैं अकेला एक उम्मीदवार नहीं हूँ, पूरे क्षेत्र के लोग उम्मीदवार हैं, इसीलिए नारा दिया गया दल का नहीं दिल का प्रत्याशी, और मैं भी शेखर चौधरी, इस नारे से चुनाव हो रहा। आप देखिए गोटे गांव में एक एक कार्यकर्ता शेखर चौधरी बन के चुनाव लड़ रहा, आज आप देख लीजिए गोटे गांव में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सारे कांग्रेसी शेखर चौधरी के साथ खड़े हैं, उनके साथ में सब फूल छाप कांग्रेसी खड़े हैं, जब उनका वक्त आता है तो वो फूल छाप कांग्रेसी बन के काम करते हैं, आज एक भी कांग्रेसी संतुष्ट नहीं है उनसे। मैं कांग्रेसी हूँ,
कांग्रेस ने मुझे टिकट दी थी, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन इस तरह का कृत्य कांग्रेस को आगे नहीं करना चाहिए जिससे कि कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचे। अगर मुझे पहले कहा गया था कि जाके चुनाव में काम करो, क्षेत्र में काम करो, मैं काम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था शेखर चौधरी को कि भाई अब आगे भी तुम्हें ही लड़ना है, देखना है, और इसीलिए काम किया भी गया, लेकिन फिर टिकट कट गया और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। सूर्य मैथिल जी, ये बगावत के स्वर जो सुनाई देते हैं चुनाव से एन पहले, क्या कितना नुकसान पहुंचाते हैं? अगर हम करंट पॉलिटिकल टेम्परामेंट की बात करें तो क्या लगता है नुकसान पहुंचा भी पाते हैं या नहीं? धन्यवाद अर्पणा जी, और पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जोहार। देखिए अर्पणा जी, अभी मैं सुन रहा था दोनों ही जो राइवल कैंडिडेट्स हैं, आम आदमी पार्टी की जो नेता है और कांग्रेस के बागी जो है दोनों, तो मैं एक बात समझना चाहता हूं कि ये जो दमखम ठोक रहे थे कि हाँ हम लोगों के द्वारा वहां पे विकास किया गया, इनको पहली बार चुनके तो भाजपा या कांग्रेस के कैडर ने ही भेजा था ना। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं अर्पणा जी, कि मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई विधायक बहुत ज्यादा अच्छा कार्य करता है, बहुत ज्यादा, और उसकी कास्ट का वोट अगर वहां पर भरपूर मात्रा में है, तो वो निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हो सकता है, अन्यथा जो भी कॉडर वेस पार्टी होती है उनका एक कॉडर होता है। यही कारण तो है कि नेता जो है वो लगे रहते हैं किसी भी प्रकार से सिंबल लेने के लिए, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। और आप देखिए इस चुनाव में एक बहुत, मैं आपकी बात काटना चाहता हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपकी बात काटना चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मेरी समाज का एक भी वोट नहीं है, मेरी पूरी गोटे गांव में 7 समाज जो है वो मेरी समाज है, मैं उनका प्रत्याशी हूँ। मैं खटीक समाज का, सोनकर समाज का प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं पूरी 7 समाज का प्रत्याशी हूँ। कितने मत मिले, सुन तो लीजिए मेरी बात को। मैं कोई इस समय में आपके पैनल में राजनीतिक रूप से नहीं बैठा हूं, मैं आपका एनालिसिस कर रहा हूं, बता रहा हूं। और दूसरी चीज, एक खूबसूरत बात आप देखिए अर्पणा जी इस चुनाव में, कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 18 साल से सत्ता में है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके जो विरोधी कैंडिडेट है उनकी संख्या बहुत सीमित है और वो बहुत कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां सत्ता से बाहर रही है कांग्रेस जो 18 साल 20 साल से, उसके जो राइवल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है और वो नुकसान भी ज्यादा पहुंचा रहे हैं। इसका कारण ये है कि बीजेपी का जो क्वार्टर बेस है वो स्ट्रांग है, यही कारण है कि बागियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बागियों की हिम्मत हो गई कि वो खड़े हो जाए विपक्ष में जाकर चुनाव भी लड़ ले। बुंदेला जी सुना आपने, मुझे बोलना है जी, जी मुझे बोलना है अपना जी, मुझे ऐसा लगता है मैथिल साहब का, मैं अर्चना जी एक बात करना चाहता हूं आपसे, उनका चश्मा लॉटरी आपके पास सर, मैं वही कह रहा था, मैथिल साहब का शायद हो सकता है चश्मा अलग तरह का हो तो उनको हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान दिख रहा है। हम तो कहते जो सत्ता में होता है नाराजगी जनता की उसके प्रति होती है, और हम तो साफ कह रहे हैं आपके तो वो लोग आपको सुन रहे हैं। अरे सुन लो मैथिल जी या तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठा मत करो, कहा करो क्या मैं भाजपा का समर्थक हूँ, कोई विश्लेषक नहीं हूँ। आप साफ कह दो समर्थक हो भाजपा के, आपकी हमें आपका इतिहास पता है मैथिल जी, आपका इतिहास हमें पता है, आपका इतिहास हमें पता है मैथिल जी, आप पूरी तरह से भाजपा ही रंग में रंगे हो, पूरी तरह से भाजपा ही रंग में रंगे हो, जबलपुर के हो, आपके क्या क्या इतिहास है, सब सुन लीजिए। मत सिखाओ आप तो लगाइए, अगर आपको नहीं अगर विश्लेषक इस तरह से बोलेगा, मैं तो इनसे टिप्पणी चाहता हूं कि जब आपने वादा खिलाफी की, जब महाकाल घोटाला हुआ, जब कारम बांध टूटा, जब आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही है, क्या इसकी नाराजगी नहीं है? इसकी नाराजगी नहीं है मैथिल जी, बताएं मुझे, मुझे बताएं ये सब कांग्रेस का बनाया हुआ झूठ है। इतना ही अगर भाजपा ही बनना तो भाजपा का पट्टा पहन के बैठा करो डिबेट में, ये राजनीतिक, ये दोहरे मापदंड, ये रूप बदल के मत आया करो, भाजपा का पट्टा पहन के बैठा करो, समझे आप शब्द बोल रहे हैं अपनी बेला जी, क्या आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी कौन क्या क्या करेगा? अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठेंगे बात करेंगे तो वो जो देख पा रहे होंगे वही बोलेंगे ना सर। अपर्णा जी जी बुंदेला जी गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। नहीं नहीं आप मैं कह दूं शेखर चौधरी अपर्णा जी ये गलत भाषा का, अभी बुंदेला जी प्लीज आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें।
डॉक्टर केशवानी, मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, आप उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी के पक्ष में बोल रहे हैं शेखर चौधरी, मैं अकेला मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए बहन मुझे भी लग रहा है, अरे मेरी बहन जिन्होंने आपको विधायक बनाया, जनता ने बनाया ना विधायक, ये बताइए जनता ने बनाया था ना विधायक सुधीर मैथिल जी, पार्टी से टिकट देती है, आने वाली तीन लगेगा। अपर्णा जी, अपर्णा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है शेखर चौधरी, एक ही वक्त पर अगर सब बोलेंगे ना तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। शेखर जी आपके पास आ रही हूँ, पहले आप ही की बात पर बुंदेला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। जी बुंदेला जी बोलिए। अभी मेरे को तो आपने मौका एक बार ही दिया, मुझे शेखर चौधरी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि वो ठीक है, उनका पहले नाम आया बाद में, लेकिन मैं अभी भी उनका सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ वो आज भी हमारे हैं और मैं मानता हूं वो वहां का भविष्य है, ठीक है। कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं, सर्वे में उनका नाम आया, उसके बाद नए सर्वे में नहीं आया, कुछ निर्णय बदलना पड़ा, लेकिन मैं शेखर चौधरी जी से आज भी कहता हूं, मैं उनको बागी शब्द नहीं कहूंगा, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो संविधान की व्यवस्था है, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं शेखर चौधरी को बागी नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं वो आज भी उस विधानसभा का भविष्य है, मैं कहता ठीक है जो भी हुआ आगे अब पार्टी से बढ़ गई होगा, ये इनको उन्होंने कह दिया, अवनीश बुंदेला जी कम से कम सम्मान तो कर रहे हैं, मान सम्मान तो कर रहे हैं, अवनीश बुंदेला जी सम्मान तो कर रहे हैं, नहीं कहूंगा डॉक्टर केशवानी, हमारी पार्टी कर रहा हूं हम उसके बारे में बुरा भला नहीं कहेंगे। डॉक्टर केशवानी जी, ममता जी यहां पर कुछ कहना चाह रही हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस लायक उन्होंने मुझे समझा, और मैं ये कहना चाहता हूं एक कमेंट से भी आ रहा है, बागी नहीं है, ये राजी नाराज हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप माननीय केजरीवाल साहब एक ईमानदार पार्टी है जो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर अपने हम संगठन को सर्वोपरि दिल्ली और जी डॉक्टर केशवानी, अपर्णा जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को लीजिए आप, मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं सभी एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं पहुँच पाएगी ना सर। शेखर जी घबराहट है इनको, 10 सेकंड अपनी बात कर लीजिए सर, आपने देखा होगा अपर्णा जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी का सिंबल एक अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सिंबल क्षेत्र की जनता अगर आपके साथ है तो अगर आपके पास सिंबल नहीं है तब भी आप चुनाव जीत के आएंगे, और मेरे साथ में क्षेत्र की जनता का सिंबल है, मैं क्षेत्र की जनता के दिल में रहता हूँ, इसलिए मैं दल का नहीं दिल का प्रत्याशी। कैंपेनिंग हो गई सर आपकी, जी जी डॉक्टर केशवानी, देखिए अभी भी अपर्णा जी ये आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं, हम जनता के दिल जीतने में कामयाब हुए हैं, इसीलिए हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर है, और ममता जी जो बैठी हैं यहाँ पे मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर पार्टी और संगठन से बढ़कर कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, पर इन्होंने महत्वाकांक्षा दिखाने का काम किया, आज वो उस दल के हाथों खेल रही है जिस दल की वो हमेशा बुराई करते रहे लोग, पर मुझे लगता है कि जनता ने इनको भली भांति जवाब दिया होगा, और निश्चित रूप से हम इसलिए भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी कैंडिडेट हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं आ रहा है। अवनीश बुंदेला जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी का ये दावा, पार्टी की आज सुख सुखाट, और क्या शेखर चौधरी के अभी आपके दरवाजे खुले हुए हैं क्या? आने वाला कल आम आदमी पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, और आप लोग टिकट का देखो, आपने व्यापम का महाघोटाला सरकार ने दबा दिया होगा, टिकट का महाघोटाला ये नहीं दबा पाएंगे, इसका जवाब आने वाले 3 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश में टिकट का महाघोटाला पूरे मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। आप देखिए हमारा संगठन चुनाव लड़ उमर जो केंद्रीय मंत्री तो सही ना, इनके बेटे क्या कह रहे सुन लीजिए, ममता जी शांत ऐसा लग रहा है, अवनीश जी आप बोलिए, हो रही ऑस्ट्रेलिया कौन सी जगह कहाँ क्या क्या कितने कितने जगह जमीनें खरीद ली, मैं चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना है, एक मिनट चीजों को इन चीजों की बात करने का काम कर रही है,
ठीक है, कोई नहीं बोल पाया और सभी बोल रहे हैं, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन देखिए 3 तारीख को साफ हो जाएगा कि जो बगावत के बिगुल इतने तेज बजे हैं उसने सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाया है, कांग्रेस को या बीजेपी को, और जो बागी अगर जीत कर आते हैं तो क्या वो घर वापसी करते हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थामते हैं, ये भी सब पूरी पिक्चर 3 तारीख को साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए, और MP की महाडिबेट में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।